बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। तो गाइस, अभी हम चैप्टर 46 कीमोथेरेपी का ड्रग्स का सल्फोनामाइड्स, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। इसका बेसिकली है वही एक्शन सेम एज बाकियों की तरह का है कि मतलब इसने भी बैक्टीरियोस जो है ना वो डीएनए की जो है ना सिंथेसिस उसको बेसिकली स्टॉप करना है। तो जल्दी से मैं बताऊँगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो सल्फोनामाइड, ठीक है, इसके अलावा साथ इसने लिखा हुआ है ट्राई मैथो प्रीम भी लिखा हुआ है, ठीक है, और फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है, ये भी इसी के अंदर हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, करना क्या है इसने, सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। कुछ भी नहीं करना, स्टॉप करना है डीएनए सिंथेसिस को, किसने, सल्फोनामाइड्स ने, ठीक है। मतलब डीएनए सिंथेसिस जब स्टॉप होगी बैक्टीरिया तो वो ऑलरेडी जो है ना वो मरने के करीब ही हो जाएगा। सल्फोनामाइड और ट्राईमेथोप्रीन, इसके बारे में बुक के अंदर एक बात लिखी हुई है, सल्फोनामाइड प्लस ट्राईमेथोप्रीन ST, ये और ये, इन दोनों के बारे में भी लिखा हुआ है कि स्टॉप करते बैक्टीरियल फोलिक एसिड की सिंथेसिस को, ठीक है, स्टॉप करेगा बैक्टीरियल फोलिक एसिड जो होता है ना उसकी सिंथेसिस को। फिर क्या होगा, ये बैक्टीरियल फोलिक एसिड बेसिकली क्यों होता है, न्यूक्लियर से रिलेटेड है ना सारे का सारा। जब ये फोलिक एसिड नहीं बनेगा, सिंथेसिस नहीं होगी, इसकी वजह से सल्फोनामाइड और ट्राईमेथोप्रीन की वजह से नीड फॉर प्यूरीन और पैरामिडीन बढ़ जाएगी, ठीक है, प्यूरीन भी नहीं बनेगी और हमारे पास, यार नज़र आ रहा कि नहीं आ रहा, ये फिर एक प्यूरीन और पैरामिडीन, ये दोनों जो है ना वो नहीं बनेगी। जब ये नहीं बनेगी, हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस नहीं है, कमी हो चुकी है नाइट्रोजिनस बेसिस की, क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप। चलो भाई, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर, डीएनए जो है ना ना बनेगा ना, उसने फिर काम क्या खे करना है। अच्छा, ये बात होगी। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर सल्फोनामाइड और ट्राईमेथोप्रीन का जो है ना हम अलग-अलग देख लेते हैं जल्दी से। यार थोड़ा सा ना वाइट बोर्ड के ऊपर गुजारा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आई नो कि थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है वीडियो, लेकिन अभी जो है ना वो रूम में अवेल जो थोड़ा पॉसिबल नहीं था, इस वजह से मैंने कहा चलो कुछ ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये अगर रहेगी वीडियो तो फिर बाद में मुझे शायद टाइम मिले ना मिले फिर वीडियो बनाने का, लेकिन कंसेप्ट यार जो जितना मुझे आता है वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स नज़र आ रहा, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स की, किस किस की, एक उसने बताई हुई है सल्फोनामाइड की, सल्फोनामाइड, ठीक है, नंबर सेकंड पे हमारे पास ट्राईमेथोप्रीम की, ट्राईमेथोप्रीम, दोनों की क्या है, ये क्या करता है, ये फार्माकोकाइनेटिक्स की सिंपल वर्ड में सल्फोनामाइड सूसू से रिलेटेड है, ठीक है, सोलुबिलिटी जो होते हैं ना इसकी डिक्रीज हो जाती है, कब, इन एसिडिक सूसू, एसिडिक यूरन के अंदर, सही है, मैंने इसी तरह याद किया था, जो ही एसिडिक यूरन होता है तो इसकी सल्फोनामाइड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सो जब ये सॉल्युबल नहीं होगा किसी चीज़ के, यूरन के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा तो एक्सक्रीट इसने कैसे होना है, वही ना, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी एक्सक्रीशन जो है ना इन यूरन, वो भी क्योंकि यूरन होता ही एसिडिक है तो एक्सक्रीशन इसकी यूरन के अंदर कम हो जाती है, इसलिए हमें यूरन को, अगर हमने इसको बॉडी से एक्सक्रीट करना है तो हमें किसी तरह यूरन को अल्कलाइन करना पड़ेगा, तभी जो है ना हम सल्फोनामाइड को नज़र आ रहा, ठीक है, हम अल्कलाइन करना पड़ेगा तभी हम सल्फोनामाइड को जो है ना वो रिमूवल करवा सकते हैं थ्रू बॉडी, एक बात ये होगी। अब ये ट्राईमेथोप्रीन क्या है, ये एक, इसके बारे में इसने बात लिखी हुई है कि ये ट्रैप हो जाता है इन एसिडिक एनवायरनमेंट, ट्रैप इन एसिडिक एनवायरनमेंट, सही है। अब मोस्टली जो होते हैं ना वेजाइना के अंदर, ठीक है, और प्रोस्टेटिक सेक्रीशन के अंदर होते हैं ना, मोर इन देयर सेक्रीशन, इनकी प्रोस्टेटिक और वेजाइनल सेक्रीशन के अंदर जो है ना वो ये ज़्यादा अपना जो है ना वो ट्रैपिंग वगैरह कर लेता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अब हम बात कर लें, यहाँ पर अगर मैं बता दूँ तो फ्लोरोक्विनोलोन इनहेबिट करता है माइक्रोबियल न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, सल्फोनामाइड ट्राईमेथोप्रीन वो क्या कर रहे थे, फोलिक एसिड की मैंने बताया ना, ठीक है, फोलिक एसिड सिंथेसिस वो सारी की सारी स्टॉप कर रहे थे। एक मिनट यार।